दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसे जाबाज शेर की कहानी जिससे ज़मीन पर रहने वाले जानवरों से लेकर पानी में रहने वाले जीव भी खौफ खाते थे, जिसको आज भी दुनिया द किंग ऑफ लायन के नाम से जानती है। यह एक जाबाज शेर और उसके तीन जबरदस्त आक्रामक भाइयों की एक सच्ची कहानी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे द किंग ऑफ लायन स्कारफेस के बारे में। स्कारफेस को पहली बार 2011 में देखा गया था, लेकिन वह अकेला नहीं बल्कि उसके साथ उसके तीन शक्तिशाली और खूंखार भाई थे, और वह आगे चल के अपने भाइयों से भी ज़्यादा शक्तिशाली बन गया। जहां सारे शेर मगरमच्छों से डरते हैं, वहीं यह मगरमच्छों से भरे नदियों के बीचों बीच से गुजरता था। स्कारफेस बचपन से ही खूंखार और निडर था। बचपन में ही वह अपने से बड़े शेर से भिड़ गया। उसी समय उसके चेहरे पे कभी ना मिटने वाला एक निशान पड़ गया, जिसके वजह से उसका नाम स्कारफेस पड़ा। स्कारफेस के तीन भाई हंटर, सीकियो और मोरानी थे। तीनों भाइयों में हंटर सबसे माहिर शिकारी था। हंटर भले ही शिकार करने में सबसे आगे हो, लेकिन सीकियो का औहदा सबसे ज़्यादा था। लेकिन आकार में चारों भाइयों से बड़ा मोरानी था, जो उसे बीस्ट बनाता था। और माना जाता है कि इनका जन्म 2007 से 8 के बीच हुआ था। जब इन चारों भाइयों को देखा गया तो यह जवान और बहुत ताकतवर थे, जो अपने लिए इलाके की तलाश में थे। इन चारों भाइयों को पहचानना मुश्किल था, लेकिन स्कारफेस को उसके चोट के कारण आसानी से पहचाना जा सकता था। जब इन चार भाइयों को देखा गया तो इनके आयाल बड़े और गहरे घने हो चुके थे, और ये चारों भाई दमदार और ख़तरनाक बन चुके थे, और अब इनको हराना किसी भी शेर के बस में नहीं था। जब ये चारों भाई मार्स प्राइड पर अपना हुकूमत कायम करना चाहते थे, तब उस प्राइड पर दो शेरों क्लॉड और रोमियो का राज था, और उन दोनों का उम्र 13 साल हो गया था। आम तौर पर किसी भी शेर का उम्र अगर 10 साल से ऊपर हो जाए तो वह उतने ताकतवर नहीं होते, और यह बात वह चारों भाई अच्छे से जानते थे। चारों भाइयों ने ज़्यादा वक्त नहीं गवाया और क्लॉड लायन को घेर लिया और उस पर बार बार हमला किया, जिसमें क्लॉड लायन मारा गया। और उन चार भाइयों से रोमियो अपनी जान बचाकर प्राइड को छोड़कर भाग गया। दोस्तों, अब चारों भाइयों को उनका घर मिल चुका था, और वह चारों भाई 2 साल तक मार्स प्राइड पर राज किए। जब स्कारफेस शिकार की तलाश में अपने इलाके की आखिरी छोर पर पहुंचा, तो वह एक मवेशी का शिकार करना चाहा। तभी वहां के लोगों ने अपने पालतू जानवरों को बचाने के लिए उसे गोली मार दी, और गोली उसके पेट को चीरते हुए आर पार निकल गई। गोली लगने के बाद लग रहा था कि अब स्कारफेस नहीं बच पाएगा। सही वक्त पर एक वेटनरी डॉक्टर ने उसका इलाज किया और उसे बचा लिया। अब चारों भाई सावधान हो चुके थे, और आगे से ऐसा कुछ ना हो, इस कारण से उन्होंने मार्स प्राइड को छोड़ दिया, और वह चारों रिजर्व एरिया की तरफ जाने लगे, और वह पैराडाइज प्लेन जा पहुँचे, जो जानवरों के लिए स्वर्ग है। वह चारों भाई मारा ट्रेंगल के वेस्ट में मारा रिवर के आसपास ज़्यादा वक्त बिताते थे। यह रात के अंधेरे में जंगली भैंसे और हिप्पो जैसे बड़े जानवरों का शिकार करते थे, और समय के साथ उनका साम्राज्य भी बढ़ता गया। एक समय ऐसा भी आया जब उनका साम्राज्य लगभग 100 किलोमीटर में फैल चुका था, और अब स्कारफेस की उम्र ढलने लगी थी और वह अपने इलाके से बाहर नहीं जाता था। एक समय ऐसा भी आया जो अगस्त 2019 में चारों भाइयों में से एक भाई लापता हो चुका था, जो कभी दोबारा नहीं दिखा। और अक्टूबर 2019 तक स्कारफेस के सारे दांत टूट चुके थे, और 2020 में उसके भाई सीकियो पर जोरदार हमला हुआ, जिसमें वह पूरी तरीके से घायल हो चुका था, जिसके कारण उसका मौत जनवरी 2021 में हो गया। और लोग ये भी मानने लगे थे कि स्कारफेस भी जल्दी मारा जाएगा, लेकिन लोगों को गलत साबित करते हुए वह राजा की तरह ज़िंदगी जी रहा था।
कुछ ही दिनों बाद स्कारफेस को एक हिप्पो के बॉडी के पास पाया गया, जिसे तीन शेर खा रहे थे। तीनों जवान शेरों ने किंग लायन स्कारफेस पर हमला नहीं किया। और मसाई मारा में एक ऐसा भी दिन आया जब स्कारफेस इस दुनिया को अलविदा कह के चला गया। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल रोहित टूवर्ड्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।